Hey guys. आज हम जा रहे हैं शार्क टैंक में ना एक बिजनेस आया था उनकी कोई फूड आइटम खाने। जब जाएंगे वहाँ जाके बताएंगे आपको क्या है। अच्छा एक बात आपको बताया था, उसके आउटलेट्स ना 4-5 हैं पूरे आगरा में। तो अभी हम जो जहाँ जा रहे हैं वो संजय प्लेस के पास है, तो जाके देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है तो ये सूर्य सदन से पहले ना एक लेफ्ट आता है, तो उस लेफ्ट पे हम लोग आ गए। और सुनने में तो आया था कि सुरेश चंद दिनेश चंद के आसपास है, हेरा लेफ्ट में सुरेश चंद दिनेश चंद इससे कहीं आसपास ही है वो। बाय द वे उसका नाम ठेका कॉफ़ी है। कहाँ है वो ठेका? अरे कहाँ है ठेका कॉफ़ी सर्च कर। और ये लेफ्ट में काफ़ी सारी चीज़ें खुल गई हैं, सबवे, मी एंड मॉम्स, लेंसकार्ट, ओला, जीरो डिग्रीज भी खुला हुआ है। किसी दिन जीरो डिग्रीज आएंगे यार, तो घूम फिर के देखेंगे। किधर है भाई इसका ठेका कॉफ़ी? डेस्टिनेशन से थोड़ा सा आगे आओगे ना तो ये रही ठेका कॉफ़ी। और ये ठेले ही हैं भाई, शहर भर में घूम रही हैं, मतलब लगी हुई है काफ़ी जगहों पे। मेन्यू किधर है भैया आपका? आगे ऐसी कुछ है। ये ना दो ठेले हैं, एक ठेली है और एक ठेली ये रही, ठीक है। एज सीन ऑन शार्क टैंक लिखा हुआ है सामने देखो। और मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट हमने ऑर्डर करी है क्या? ओके, तो ये मेन्यू है। मेन्यू में आप देखोगे तो फोकस कर ले, हाँ हमने लिया है एक पॉपकॉर्न पटाखा और एक पलंग तोड़। अब इसमें ये है कि मेरा फ्रेंड मुझे एक मिला था, वो बोल रहा है मिंटो रानी तो बहुत ख़राब है तो मत लेना, तो वो तो नहीं ले रहे हैं। ऑर्डर कर दिया ब्रो, जो हमें चाहिए वो दोनों चीज़ें ओवर। वाह भैया अब क्या ले? कॉफ़ी की जवानी है, हाँ, और वो मिंटो रानी है, फर्स्ट देसी संतरा है। तो देसी संतरा संतरा लेके देख तू भाई। भैया एक देसी संतरा और एक कॉफ़ी की जवानी। अच्छा इसमें ये कह रहा है कि ये जो लेवल्स हैं कॉफ़ी की, मतलब सबसे लाइट फिर स्ट्रॉन्ग ऐसे करके, तो अब हम ले रहे हैं कॉफ़ी की जवानी और देसी संतरा। ट्राई करके देखेंगे इसको कैसी है। ये क्या चीज़ है? ड्राइस इसे पानी डाल दिया ऊपर से। भाई जम जाते हैं हाथ, वो जाते हैं गल जाते हैं, इसमें डाल दो तो डाल के देखना। अच्छा ये चीज़ है, अबे फोकस नहीं हो रहा यार। हो गया ये रही। तो ये मेरे सामने अभी ऑरेंज वाली कॉफ़ी है, वही जो हमने ली थी। और ये वैसी लग रही है कि अमूल की जो वो ऑरेंज वाली चॉकलेट आती थी ना, उसका नीचे गिरा हुआ जो लेवल होता है वो, ठीक है वो है। ये इनिशियल टेस्ट कॉफ़ी का है, आफ्टर टेस्ट ऑरेंज का है। वो चीज़ है दूसरी वाली जो सेकेंड या थर्ड लेवल की कॉफ़ी है। क्या नाम था इसका? कॉफी की जवानी। हल्की सी स्ट्रॉन्ग है, बट वो ये कि लग वही रही है कि मतलब जो आपके पैकेज मिल्क आते हैं ना एकदम वही है, फ्लेवर्ड मिल्क जो होता है आपका बेसिकली वही है। तो हाँ कभी कभी पीने के लिए पी लो, बट हाँ हल्की सी महंगी है उस हिसाब से, फ्लेवर्ड मिल्क के हिसाब से। बट ठीक है यार, मेरे को लगा कि थोड़ी 2-3 दिन पहले कॉफ़ी बना के रखते होंगे ऐसा कुछ, बट वो नहीं लग रहा मेरे को। लग रहा है कि यहाँ कॉफ़ी बनाई है, रखी गई है, प्रिजर्वेटिव में रखी है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होके सब कुछ यहाँ बिक रही है। ये चीज़ है तो ओके है, ज़्यादा खतरनाक नहीं लगी मेरे को, बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है, कुछ नया है। तो मैं घर के लिए एक पलंग तोड़ लाया था, मतलब जो एक कॉफ़ी की जवानी है वो सेकेंड लेवल थी, थर्ड और फिर फोर्थ लेवल वाली ये है। और मैंने ये पी के देखी, मतलब कौड़ी है एकदम कड़वी है इसको, मतलब एकदम ही नींद खोल रही हूँ तो इसको ले लेना, वरना तो और कोई बंदा मत लेना। मैक्स टू मैक्स आप नेक्स्ट लेवल तक चले जाओ, थर्ड लेवल है जो उनकी कॉफ़ी की वो पी लो। प्लस इसमें वही फ्लेवर्ड मिल्क वाला, तो मतलब समझ आ रहा है कि भाई वैसा कुछ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम ऑथेंटिक कॉफ़ी है, तो वो चीज़ है। बट हाँ ओके है यार, ठीक है। इनकी मार्केटिंग सब अच्छी है, प्लस इन्होंने शार्क टैंक वाला वो कर लिया है, तो उसको दिमाग में रखते हुए वो चीज़ काफ़ी बढ़िया है। तो मार्केटिंग के मामले में तो बढ़िया है, उस हिसाब से काफ़ी टाइम तक चलेगी, बट वो ये रिटेन कब तक करे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है एक बार ट्राई करके आ जाओ, देखो कैसी है बताओ मेरे को। बस ऐसी ही है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और ध्यान रखना कि आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और बहुत सारे ब्लॉग्स में आता रहता हूँ। मेक श्योर यू आर देयर ऑन द चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय, पीस, जय हिंद।